अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आज के इस अध्याय में आप जानेंगे टेलीप्राइम में एलियस क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। टेली में एलियस ऑप्शन है तो बहुत छोटा सा, लेकिन आपके व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एलियस ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो टेली में इससे काम करना बहुत सरल हो जाता है, साथ ही आपके काम करने का समय भी कम हो जाता है। एलियस का उपयोग सभी मास्टर के लिए किया जा सकता है। यहाँ हम आपको समझाने के लिए इसका उपयोग लेजर्स और स्टॉक आइटम्स में करके दिखाएंगे। पहले हम आपको बता दें कि एलियस का अर्थ होता है उपनाम, या कह सकते हैं निकनेम। सरल शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि किसी का भी ऐसा दूसरा नाम जो हमें बोलने और याद रखने में आसान हो। आइए पहले हम लेजर में एलियस के उपयोग को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे एक बड़े कस्टमर हैं जो दिन भर में हमसे कई बार माल मंगवाते हैं और उनकी दुकान का नाम है मोहनलाल गंगाराम। पर हम जब भी अपने किसी कर्मचारी को उनके यहाँ पर सामान देने के लिए भेजते हैं तो कहते हैं कि मोहन की दुकान पर जाना, या कहते हैं कि एमजी के यहाँ जाना। यहाँ पर एमजी मोहनलाल गंगाराम का शॉर्ट फॉर्म है। बस टेली में काम करते समय भी हम मोहन या एमजी टाइप करें और मोहनलाल गंगाराम का लेजर आ जाए, यही काम है एलियस का। आइए टेली में काम करते हुए इसे समझते हैं। यहाँ हमने अपनी एक कंपनी ओपन कर ली है। अब हम मोहनलाल गंगाराम का एक सेल बिल बना रहे हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करें, अब F8 की प्रेस करें। अब मोहनलाल गंगाराम के लिए हमने टाइप किया M। ये देखिए चार नाम हाईलाइट हो रहे हैं। हमने M के बाद टाइप किया OHAN, यानी मोहन। देखिए अभी भी चार नाम हाईलाइट हो रहे हैं। इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होगा और इसके लिए पहले हमें सभी नाम को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि दिखाई दे रहे नामों में काफी समानता है, तभी हम सही नाम सिलेक्ट कर पाएंगे। आइए हम इस नाम को यहीं पर अल्टर करके इसमें एलियस जोड़ देते हैं। बैकस्पेस की से हम वापस नाम पर आ गए हैं। यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसी दौरान किसी मास्टर में कुछ अल्टर करना हो तो आप कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करें। ये देखिए अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। हम एलियस में मोहन टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए हम अगली लाइन में आ गए हैं। यहाँ हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो और भी उपनाम दे सकते हैं। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छे से समझने के लिए हम वापस गेटवे ऑफ टेली पर आ गए हैं। अब फिर से बिल बनाने की प्रक्रिया दोहराते हैं। यहाँ पर मोहनलाल गंगाराम के लिए चाहें तो मोहन टाइप करें और फिर उस पर जाकर एंटर प्रेस करें, या फिर एमजी टाइप करें और एंटर प्रेस करें। ये देखिए हमने शीघ्रता से सही नाम सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान रखें, यदि आप कोई नया मास्टर बना रहे हैं तो उसमें भी नाम के नीचे एलियस ऑप्शन होता है। आप नया मास्टर बनाते समय ही उपनाम दे सकते हैं। और यदि आपकी कंपनी में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप F12 प्रेस करके यहाँ प्रोवाइड एलियसिस फॉर नेम को यस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर ली। ऐसा करते ही ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हम आपको एक और बात बता दें कि एलियस का फायदा सिर्फ वाउचर एंट्री में ही नहीं मिलता, इसकी सहायता से आप शीघ्रता से रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं। यहाँ से डी प्रेस किया, फिर ए प्रेस किया, फिर एल प्रेस किया, फिर एमजी टाइप किया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए मोहनलाल गंगाराम का लेजर ओपन हो गया है। अब समझते हैं कि स्टॉक आइटम में इसका क्या उपयोग है। स्टॉक आइटम में इसके उपयोग के मुख्यतः दो तरीके हैं और वे भी लेजर से थोड़ा हटकर हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं। यहाँ हम आपको एक लिस्ट बता रहे हैं। इसमें हमने उन सभी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं जिनका हम व्यापार करते हैं। इस लिस्ट में हम दो तरह के एलियस के नाम भी लिख रहे हैं जो हम बनाने वाले हैं। पहले तो हम सभी स्टॉक आइटम्स को सीरियल नंबर दे रहे हैं और दूसरा
उन्हें शॉर्ट कोड दे रहे हैं। आइए इन्हें थोड़ा समझा देते हैं। हमने डेल लैपटॉप मॉडल 111 में से लैपटॉप के लिए एल लिया, डेल कंपनी के लिए डी लिया और प्रोडक्ट किस तरह का है उसके लिए मॉडल नंबर 111 ले लिया। इस तरह हमारा कोड हो गया LD111। इसी तरह हम सभी के कोड बनाते हुए जब सोनी टीवी पर आए तो समस्या ये थी कि हमने पहले ही TS को लेकर कोड बना लिया था, अब सोनी टीवी के लिए क्या करें, तो हमने इसके लिए TSO ले लिया। आइए अब इस लिस्ट के आधार पर हम स्टॉक आइटम्स में अल्टरेशन कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ दिल्ली पर हैं। यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए H प्रेस करें, लिस्ट ऑफ मास्टर्स में स्टॉक आइटम्स पर जाएं। ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रही है। यहाँ स्टॉक आइटम व्यू के लिए F5 प्रेस करें। अब यहाँ से एक एक स्टॉक आइटम पर जाकर पहले बताए अनुसार एलियस जोड़ना है। इसी तरह हमने सभी स्टॉक आइटम्स में एलियस डाल दिए हैं। इस लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में वे अपडेट तो हो गए पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नाम के साथ एलियस देखने के लिए हम F12 प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर डिस्प्ले नेम फॉर मास्टर्स में नेम ओनली सिलेक्टेड है। इस लिस्ट में आप अपनी जरूरत के अनुसार जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नेम के साथ एलियस लिखा है, इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही पहले नाम और उसके बाद एलियस आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आप एक से ज्यादा एलियस उपयोग करेंगे तो नाम के साथ सिर्फ पहले वाला एलियस ही दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। हम नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। अब LG TV 20 इंचेस के लिए हम लिस्ट में देख लेते हैं। इसका नंबर 5 है और कोड TL20 है। आइए हम इन दोनों को एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि दोनों एलियस में से हम कोई भी लें, LG TV 20 इंच ही आता है। अब देखते हैं कि स्टॉक आइटम में एलियस का दूसरा उपयोग क्या है। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार के साथ ही ड्राई फ्रूट्स का व्यापार भी प्रारंभ कर दिया है और हमने कैश्यू यानी काजू खरीदे हैं और हम चाहते हैं कि कैश्यू के नाम के साथ ही हिंदी में काजू भी लिखा हुआ आए, जिससे हमारे कम पढ़े लिखे कर्मचारी भी बिल देख कर माल डिलीवरी करवा सकें। इसके लिए भी हम एलियस का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए पहले हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। नाम में हमने टाइप किया कैश्यू। अब एलियस हिंदी में लिखना है तो उसके लिए F12 प्रेस करें। प्रोवाइड लैंग्वेज एलियस फॉर नेम को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करते ही इस तरह की स्क्रीन आएगी। हम बैकस्पेस प्रेस करके इंग्लिश पर जाएंगे। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आ रही है। हम इसमें से हिंदी सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए एलियस पर आ जाएंगे। और काजू के लिए KAAJW टाइप करें। अब अंडर में प्राइमरी और यूनिट में किलोग्राम सेलेक्ट करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अशोक ट्रेडर्स से 1,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो काजू उधार खरीदे हैं। इसका बिल नंबर है 651। इसका परचेज वाउचर बना लेते हैं। अब हम एक सेल की एंट्री भी कर लेते हैं। हमने मोहनलाल गंगाराम को 1,100 रुपए के भाव से 25 किलो काजू उधार बेचे। अब हम बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो पहले तो पेज अप की प्रेस करें। ये देखिए, हमारा बनाया हुआ बिल दिखाई पड़ रहा है।
अब प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल और पी प्रेस करें। चूंकि हम बिल में एलियस का भी नाम चाहते हैं, हम सी प्रेस करके कॉन्फिगर पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले नेम ऑफ स्टॉक आइटम्स पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ से नेम के साथ एलियस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। फिर दो बार एस्केप की प्रेस करें। अब प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करें। अब जूम के लिए ऑल्टर और जेड प्रेस करें। ये देखिए यहाँ कैश्यू के साथ काजू भी लिखा दिखाई पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको एलियस का उपयोग करना बताया और ये भी बताया कि इससे काम करने की गति कैसे बढ़ती है और काम करने में सरलता कैसे आती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।